physics class 12, chapter 1, electrostatics. The topic is dielectric constant. Dielectric constant kya hota hai? When charges are situated in a medium other than free space, other than free, jab charges ko hum other than free space matlab air ya vacuum ko chhod karke kisi anya medium mein rakhe hai, when we place the charges other than air or vacuum, tab hum maan lete hai ki unke beech ka jo force lagta hai wo F, M ka matlab hai medium, M ka matlab medium, to wo force kya hoga, 1 upon 4 pi epsilon, yahan not nahi lagaya kyunki air ya vacuum mein nahi rakha hai maine charges ko, तो इसलिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी. क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ओके, Q1 इंटू Q2 ये कूलम्स लॉ है, अपॉन आर स्क्वायर, यानी Fm इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगर इन्हीं चार्जेस को हम एयर में रख दें या वैक्यूम में रख दें, तो F नॉट से ले लिया मैंने, ये नोट्स लिखा हुआ है, तब क्या होगा, यहां पर एप्सिलॉन जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी थी कि उसकी जगह आ जाएगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. ये बाकी सारी क्वांटिटी सेम रहेंगी, बस यहां एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये एयर के लिए हो गया या वैक्यूम के लिए हो गया. नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाई 1. तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम दिस अपॉन दिस, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन आर के या के बराबर, वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. क्या कहलाएगी, रिलेटिव आर से रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में इनको रखा गया था इन चार्जेस को. ठीक है ना, ये दो मीडियम्स के बीच में है, रिलेशन है एयर और किसी और मीडियम के बीच का, तो वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिलेशन क्या हुआ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड टू एप्सिलॉन आर या के भी कह सकते हैं, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड टू के बराबर होता है. ओके, जहां के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. नाउ कम टू द सेकंड पेज, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, मान लीजिए कि एक टेस्ट चार्ज ये क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज इसलिए कहलाता है कि हम जितने भी एक्सपेरिमेंट किसी चार्ज के ऊपर कर रहे हैं तो उसको फिजिक्स में हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और चलिए इसको मैंने किसी मीडियम में रख दिया, चलिए एयर में ही मान लेते हैं, ये Q1, Q2, Q3, Q4 और इसी तरीके से n पार्टिकल्स से चार्जेस से घिरा हुआ है ये. तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इन सभी चार्जेस के द्वारा ये टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट टोटल फोर्स इन सभी चार्जेस के द्वारा कितना एक्सपीरियंस करेगा. तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कोई टेस्ट चार्ज सभी जो n चार्जेस हैं उनके द्वारा, यानी Q1 इस पर फोर्स लगाएगा अपना, Q2 इस पर फोर्स लगाएगा, Q3 इस पर लगाएगा, Q4 भी इस पर लगाएगा, और इस तरीके से n चार्जेस हैं तो Qn भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उनका जो सम निकालेंगे, वेक्टर सम निकालेंगे, वही टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज आ जाएगा. ये एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, इफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 --, Qn आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ R1, R2, ये देखिए इससे R1 है, Q2 वाला R2 डिस्टेंस पे है, Q3 वाला R3 डिस्टेंस पे, इस तरीके से रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं. और मान लीजिए कि ये सभी चार्जेस इसके ऊपर टोटल फोर्स F लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं F. आइए थर्ड पेज पर, तो देख लीजिए यहां पर, ये देखिए Q1 के द्वारा किस पे लगाया जा रहा है फोर्स, Q0 पर, तो वो हम फोर्स हम कैसे लिखेंगे, F01 यानी F01. अगले पेज पे बता रहे हैं हम आपको, ये देखिए पेज नंबर 3 पे, ये देखिए ये टोटल फोर्स है टेस्ट चार्ज के ऊपर, F01 का मतलब है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस, ये सब वेक्टर सम दिखाया है, F00 का मतलब है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज Q2 एंड सो ऑन. इसी तरीके से F0n का मतलब है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू द चार्ज n.
तो टोटल का सम कर देंगे, वेक्टर सम, वो टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब आइए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको समझने के लिए पहले पॉइंट चार्ज को समझ लीजिए। पॉइंट चार्ज क्या होता है? एनी चार्ज विच कवर्स ए स्पेस विद डायमेंशंस मच लेस देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी टेकन एज ए पॉइंट चार्ज। ये इतना छोटा होता है जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि एनी चार्ज विच कवर्स ए स्पेस विद डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस तो हैं लेकिन इतना कम है कि हम उसको जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा कम है, उसके डायमेंशन से भी कम है, इसलिए उसको वो पॉइंट चार्ज कहा जाता है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस इज सेट टू बी फॉर्म कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कैसे हो सकता है? वो लाइन के ऊपर हो सकता है, वो एरिया के ऊपर हो सकता है, वो वॉल्यूमेट्रिकल हो सकता है, वो तीन तरीके का हो सकता है, वो मैं अभी आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बताया, पहला लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है वॉल्यूमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं अभी अगले पीरियड में आपका लेता हूं। थैंक यू।